हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भाई एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी आई ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यदि आपको सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया है, आपकी फैमिली में किसी को हो गया है या रिलेशन में किसी को हो गया है और आप नज़दीकी हॉस्पिटल पर जाते हैं, आपको सर्जरी करवानी है, तो वहाँ पर डॉक्टर स्टाफ या वहाँ पर जो काउंसलर है वो आपसे एक सवाल करता है कि आप कौन सा लेंस डलाना चाहते हैं, और इस बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं होती है। ये आपके लिए एक बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आँख में पड़ने वाला IOL लेंस के बारे में कि कौन सा लेंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा या कौन सा लेंस आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मोनोफोकल लेंस के बारे में। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, मोनोफोकल, मोनो यानी एक फोकस का लेंस, ये एक फोकस आपका क्लियर कर देता है। अब ज़्यादातर हमारा काम दूर के लिए होता है, तो जब भी मोनोफोकल लेंस डाला जाता है उससे आपका दूर का विजन क्लियर हो जाता है, और जब भी आपको पास का काम करना है तो उसके लिए आपको एक अलग से चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मोनोफोकल लेंस डला रहे हैं तो इस लेंस में आपको किसी भी तरह की ग्लेयर नज़र नहीं आती है या आपको किसी भी तरह का शैडो नज़र नहीं आता, आपको जो लाइटें देख रहे हैं उनके चारों तरफ घेरा नज़र नहीं आता। ये मोनोफोकल लेंस की एक अच्छाई है, लेकिन अगर आप मोनोफोकल लेंस डलाते हैं तो पास के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, या आपको पास को अगर पढ़ना है या कोई भी पास का काम करना है तो उसके लिए आपको चश्मा यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं मल्टीफोकल लेंस के बारे में। मल्टीफोकल लेंस एक एडवांस लेंस है। मल्टीफोकल जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, इसमें कई सारे फोकल होते हैं, इसमें आपका दूर और पास दोनों का नज़र साफ हो जाता है, या आप ये लेंस डलवाते हैं तो इससे पास और दूर दोनों का विजन क्लियर हो जाता है। अब ये जो मल्टीफोकल लेंस होते हैं ये तीन तरह के आते हैं, बाईफोकल, ट्राईफोकल, EDOF लेंस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बाईफोकल लेंस के बारे में। जैसा कि अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, बाईफोकल यानी दो फोकल का लेंस, इससे आपका दूर का और पास का दोनों विजन क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको दूर देखना है तो आसानी से आप दूर का क्लियर देख सकते हैं, और जब भी आपको पास का काम करना है तब आप आसानी से पास का काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ केस में होता क्या है, ये पास का काम तो अच्छे से वर्क करता है, लेकिन अगर बहुत ही बारीक आपको चीज़ देखनी है या बहुत ही बारीक लेटर पढ़ना है तो उसके लिए एक चश्मा अलग से कभी कभी लगाना पड़ता है। अदरवाइज इस लेंस को डलाने के बाद आपको किसी भी तरह चश्मे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाईफोकल लेंस डलवाने से पहले एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि बाईफोकल लेंस में जब भी आप डलवा लेते हैं तो जब भी आप रात में सपोज गाड़ी चला रहे हैं या किसी लाइट को देख रहे हैं तो ग्लेयर आपको ज़्यादा लगती है, या फिर आप किसी लाइट को देख रहे हैं तो उसके चारों तरफ हो सकता है कि आपको हल्का सा घेरा बना हुआ भी दिख सकता है। ये इस लेंस का डिसएडवांटेज है, या ये समझिए कि जिन लोगों को रात में ड्राइव नहीं करना या बाहर नहीं निकलना है, खासकर जो लेडीजें हो गई, जो हाउस वाइफ हैं, उन लोगों के लिए बाईफोकल लेंस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं ट्राईफोकल लेंस के बारे में। ट्राईफोकल जैसा कि आप नाम से ही समझ गए कि इसमें तीन फोकस होते हैं, दूर का, पास का और इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट जो आपका आता है ये कंप्यूटर डिस्टेंस हो गई, जैसे कि आप पूरा हाथ आगे लेकर के जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कंप्यूटर डिस्टेंस है, क्योंकि पास की डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर होती है। तो ये जो ट्राईफोकल लेंस है इससे आपका दूर का विजन क्लियर हो जाता है, पास का क्लियर हो जाता है, साथ में जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं उनको भी इस लेंस को डलवाने के बाद कोई भी चश्मे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस लेंस में बाईफोकल लेंस की अपेक्षा कम ग्लेयर लगती है, या जो भी घेरा दिख रहा था वो बहुत ही कम केस में देखने को मिलता है, अदरवाइज इसको डलवाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं EDOF लेंस के बारे में। अब ये EDOF लेंस क्या है, तो जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं उनको होता क्या है कि पास के जो चश्मे होते हैं उससे भी उनका विजन क्लियर नहीं होता, उनको एक कंप्यूटर का अलग से चश्मा रखना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए ही बेसिक EDOF लेंस आया है, क्योंकि
EDOF लेंस में होता क्या है कि आपकी दूर की नज़र बिल्कुल क्लियर कर देता है, आपको किसी भी तरह की ग्लेयर नहीं लगेगी या किसी भी तरह की कोई भी चमक नहीं लगेगी, आपको कंट्रास्ट भी अच्छा दिखेगा। जब भी आप कंप्यूटर वर्क करते हैं तो कंप्यूटर का विजन भी इस लेंस में क्लियर हो जाता है, लेकिन पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो जो लोग आईटी फील्ड में वर्क करते हैं, जो लोग कैफ़े में वर्क करते हैं, उनको लगातार पूरे पूरे दिन कंप्यूटर वर्क करना होता है, उन लोगों के लिए EDOF लेंस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब भी उनको पास का पढ़ना है, बहुत ही पास से पढ़ना है, तो एक अलग से चश्मा रखिए, उसको लगाइए और पास में देख करके उसको उतार के रख दीजिए, तो उनको बार बार चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जिन लोगों की पुतली या जिन लोगों की कार्निया गोल नहीं है, यानी जिन लोग की आँख में सिलेंड्रिकल पावर लगा हुआ है, जो लोग सिलेंड्रिकल पावर का चश्मा लगाते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है टोरिक लेंस। क्योंकि अगर आप जो मैंने लेंस बताए अगर उनमें से कोई सा चूज करते हैं, तो दूर के लिए सिलेंड्रिकल पावर आपको लगानी पड़ेगी या दूर के लिए सिलेंड्रिकल पावर का चश्मा लगाना पड़ेगा। यदि आप टोरिक लेंस डला लेते हैं, आप चाहे टोरिक मोनोफोकल लेंस डलाइए तो पास के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, टोरिक बाईफोकल लेंस लगाइए तो कंप्यूटर डिस्टेंस के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा या बहुत ही पास देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, या आप टोरिक EDOF लेंस डलवाइए तो आपको पास के लिए केवल चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर टोरिक ट्राईफोकल लेंस डलवाते हैं तो आपको किसी भी तरह की चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोगों की आँख में या जो लोग सिलेंड्रिकल पावर का चश्मा लगाते हैं, उन लोगों के लिए टोरिक लेंस एक बेस्ट ऑप्शन है। अब एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि आप कितना भी महंगा लेंस लगा लीजिए या कितनी भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लेंस लगवा लीजिए, लेकिन यदि आपकी आँख का सही मेजरमेंट नहीं हुआ या एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हुआ, तो आपका सर्जरी तो हो जाएगी लेकिन उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती है या उतना अच्छा आपका काम नहीं करता है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी आँख का नंबर सही निकालना या जो आँख में लेंस पड़े वो सही नंबर का पड़े। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आप एक अनुभवी डॉक्टर से अपनी सर्जरी करवाइए या एक ऐसे डॉक्टर से सर्जरी कराइए जिसका हाथ बिल्कुल सेट है, आपको किसी भी तरह की चश्मे की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।